देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 9.82% तक पहुंच गई है। बीजेपी ऑफिस में कोरोना विस्फोट हो गया है, जहां एक साथ 42 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। नोएडा में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। यूपी में डराने लगा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां 24 घंटों में 21,259 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 23 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, राजधानी में कोरोना के 25,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र में कोविड का कहर, कोविड संक्रमित रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या बढ़कर 481 हुई। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी भेजकर ऑक्सीजन का स्टॉक करने के निर्देश दिए हैं, कम से कम 48 घंटे का स्टॉक रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत उनके संबोधन से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को बड़ी सौगात दी है, इस दौरान उन्होंने राज्य में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है और पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जांच 4 सदस्यों की कमेटी करेगी, इसकी अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। पीएम सुरक्षा चूक मामले में स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, कहा प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री चन्नी का ब्रीफ करना गलत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब के दौरे पर हैं, जिसके पहले दिन केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे। सीएम फेस के लिए ऐलान किया जाना था, लेकिन बुधवार को चंडीगढ़ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब अगले हफ्ते सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की सिचुएशन काफी बदतर हो गई है और अब इसे पंजाब की कांग्रेस चन्नी सरकार संभाल नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि सिद्धू कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, यानी कि सिद्धू को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को वो जो फैसला लेंगे वो सरकार के ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने यूपी चुनाव से पहले पार्टी को तगड़ा झटका दिया, इमरान मसूद कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली में बेहड़ से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भाजपा में शामिल हुए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनको सदस्यता दिलाई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, हैकर्स ने उसका नाम एलन मस्क करके पीछे मछली की तस्वीर लगा दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी उठापटक के बीच शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे, मिली जानकारी के मुताबिक चाचा शिवपाल लखनऊ में अखिलेश से मिलने उनके आवास पर गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन आज, परिवार के साथ रणथंभौर में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी प्रियंका, नेशनल पार्क में देखेंगी बाघों की अटखेलिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक लखनऊ में हुई, बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के लिए बैठक बुलाई। देश की राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजीपी से ली मामले पर रिपोर्ट, तो मंत्री ममता भूपेश ने जेकिलोन अस्पताल पहुंचकर जाना पीड़िता का हाल। पाकिस्तान ने अपनी नई सुरक्षा नीति में कहा है कि वो भारत के साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखना चाहता है, सुरक्षा नीति में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है।
लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने उनकी हेल्थ रिपोर्ट शेयर की है। डॉक्टर प्रतीत समधरी ने कहा है कि लता मंगेशकर फिलहाल आईसीयू में ही रहेंगी। सिंगर को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हुआ है। बॉलीवुड एक्टर हेमंत बिर्जे और उनकी पत्नी का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया। राहत की बात यह है कि हेमंत और उनकी फैमिली एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश मना रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कोरोना काल में भी इन्वेस्ट समिट ने प्रदेश में निवेश को पंख लगाए हैं। बीकानेर, बूंदी और उदयपुर में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया। आज करोड़ों के निवेश को लेकर एमओयू और एलओआई साइन हुई। कोरोना का हवाई सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। जयपुर के लिए 11 फ्लाइट रद्द हो गई है। फ्लाइट रद्द होने से यात्री बेहाल हो रहे हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी से गिरकर मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 193 दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। जहां कई इलाकों में चारों तरफ बर्फीला साम्राज्य नजर आया, वहीं बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कें बंद हैं और बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। पारा गिरने से कई जिलों में आज भी ओस की बूंदे जमी तो शीतलहर की चुभन भी कम नहीं हो रही है। हनुमानगढ़ में पिछले हफ्ते हुई मावठ के बाद तीसरे दिन भी क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते सामान्य जीवन अस्त व्यस्त नजर आने लगा। वहीं कोहरे से क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई। इस दौरान आमजन सर्दी से बचने का जत्न करते हुए दिखे।